बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पोटैटो फ्राइज, जो कि आप बाहर से जा खाते हैं मैकडोनल्ड स्टाइल में। तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लार्ज साइज में पोटैटोज चाहिए, और पोटैटोज की जो कटिंग है वो आपने ना ही ज़्यादा बड़े साइज में कटिंग करने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे साइज में कटिंग करने हैं। तो ये मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ, आप देख लें इसका साइज। ये देखें, इस साइज में आपने सारे पोटैटोज कटिंग कर लेने हैं। और कटिंग करने के बाद हम इसे ठंडे बाउल में ठंडा पानी डालेंगे और उसमें रख देंगे। ये फ्राइज जो है हम लोगों ने कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं, इनका साइज आप देख लें। इस साइज के आपने सारे फ्राइज कटिंग कर लेने हैं। एक बाउल में आपने ठंडा पानी लेना है, उसमें ये एक चम्मच जो है नमक भर के डाल दें और मिक्स कर लें। इसके बाद जो फ्राइज है हमारी, वो हम इसमें डाल देंगे सारी, और इन फ्राइज को हम लोग फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। पंद्रह मिनट के बाद मैंने जो पोटैटो फ्रीजर में रखे थे उन्हें निकाल लिया है और उसका पानी निकाल दिया मैंने। अब ये जो हमारे पोटैटोज हैं, इन्हें फैला के इनका पानी जो है हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। अगर आपके पास किचन टावल है तो किचन टावल की मदद से इसे साफ कर लें, वरना आप किसी टिश्यू से इसका पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई कर लें। और जो घी है आपका, वो ऑयल गर्म होने के लिए रख दें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, बस थोड़ा थोड़ा डस्ट कर दें इसके ऊपर, 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं फ्राइज। इस बात का ध्यान रखें कि फ्राइज बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। फ्राइज को आपने हाफ डन कर लेना है। हाफ डन जब आपकी फ्राइज हो जाएंगी तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, फ्राइज हमारी हाफ डन हो गई हैं। तो आपने इसे अच्छी तरह से जो है ना, इसका ऑयल जो है वो अपने टिश्यू वगैरह के साथ ख़त्म कर लेना है, ताकि इसके अंदर ऑयल ना रहे। और ऑयल जब आपका सारा ड्राई करने के बाद इसे फ्रीज़र में रख दें ऊपर तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो मैं इसे फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रखती हूँ। ये हमारी हाफ डन फ्राइज़ हैं, जो मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखी थी। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो एक बैग लें, लॉक बैग जो होता है उसमें, इसी पोजीशन में इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप निकालें और इसे ऑयल में दोबारा से फ्राई करें, और ये बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी कि फ्रेश बनती है, और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसी स्टेज पर, लेकिन मैं इसे फ्रीज़ नहीं करूँगी। मैं अभी इसे फ्राई करके आपको दिखाऊँगी। तो हम इसे फ्राई करने के लिए डालते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है दोबारा से। आपने बहुत कम जो है ना, मतलब हीट जो है वो कम हीट पे नहीं, आपने
इसे फ्राई करना। आपने हाफ डन तो ऑलरेडी है, तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। और जब ये लाइट गोल्डन होने लगे, देखें आप, जब राइस का कलर चेंज होने लगे तो आप इसे निकाल लें। सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।